टॉपिक ऑफ लेक्चर नंबर 16 इज़ जनरलाइज कोटी फ्लो. डिफरेंस बिटवीन सिंपल कोटी फ्लो एंड जनरलाइज कोटी फ्लो आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड टू यू. इन सिंपल प्रेशर ग्रेडियंट इज़ ज़ीरो, बट इन जनरलाइज्ड इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं जो प्रेशर है, प्रेशर इज वेरिएबल इन या फिर अलोंग एक्स डायरेक्शन. यानी प्रेशर जो है हमारे पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, वो वेरिएबल इन चेंज होता है. इस वाले केस में हमारे पास बाउंड्री कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही सारा डाटा होगा, वही हमारे एक्स एक्सिस, वही हमारे वाई एक्सिस, वही हमारी एक प्लेट यहाँ, वही हमारी एक प्लेट यहाँ, वही डिफरेंस हमारे पास एज का, और हर चीज़ बिल्कुल वैसी ही होगी. बाउंड्री कंडीशन भी वही, यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पे यू इज़ इक्वल टू कैपिटल यू. तो अगर ये सब कुछ सेम है तो जो हमने इक्वेशन पीछे निकाली थी वो भी सेम रहेगी, लेकिन डिफरेंस उसमें क्या आएगा, उसमें ये प्रेशर वाला फैक्टर जो ख़त्म हो गया वो रिमूव नहीं होगा. अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो इसी तरह से एग्जिस्ट करेगी. उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं. वो हमारे पास क्या बनी थी, यू इज इक्वल टू 1/μdp/dx y² / 2 + ay + b. यहाँ पे जब हम इसको इसके लिए सॉल्व करेंगे यही वाली बाउंड्री कंडीशंस रख के, कौन सी u 0 पर 0 और u h पर कैपिटल u, तो हमारे पास यहाँ से b की अगेन वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी इतनी. और इसके अंदर फिर जब हम लोग सेकंड कंडीशन पुट करेंगे एच वाली, तो ए की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी. इस ए की वैल्यू को जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारा यू इस फॉर्म में आ जाएगा, यू इज़ इक्वल टू एच इक्वेशन से ऊपर वाली फॉर्म में. ये फर्दर इसमें से कॉमन लेके इसकी एक और फॉर्म बनाई गई है, वो इक्वेशन नंबर 8 के अंदर है. ये हमने जो है निकाल दिया है, यू जो है हमने फाइंड कर दिया है फॉर जनरलाइज कोटी फ्लो के लिए. टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो सकता था फॉर वेलोसिटी. अब आगे बात आ जाती एवरेज की, मैक्सिमम की, मिनिमम की और शेयर स्ट्रेस की. लेकिन उससे पहले जो ये इसकी फॉर्म बनी इसके ऊपर मैथमेटिशियंस ने वर्क किया, तो उन्होंने कहा हम इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वो फॉर्म जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी. क्यों होगी, क्योंकि उसके ऊपर जो मैथमेटिशियन ने वर्क किया उसने इसकी इस तरह की फॉर्म बना दी कि इसको उसने डायमेंशन लेस कर दिया, डायमेंशन फ्री कर दिया. डायमेंशन फ्री क्या होता है, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं फिर बताती हूँ. डायमेंशन फ्री ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई एक अगर है फार्मूला है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ स्ट्रेन का है, तो मैं कहती हूँ कि स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ. तो अगर आपसे मैं पूछूं इसकी क्या डायमेंशन आई है हमारे पास, तो इसके ऊपर भी हमारे पास क्या चल रहा है, हाई जो हमारे पास मेजरमेंट होती है लेंथ की, वो भी हमारे पास क्या आ रही है, वो भी हमारे पास मीटर्स में आ रही है, और जो लेंथ है ये भी हमारे पास मीटर्स में आ रही है. यानी कि दोनों हमारे पास मेजरमेंट सेम है, ये कट कर हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमेंशन फ्री. तो तमाम तर वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास कोई भी डायमेंशन नहीं बचती, हम उसको बोलते हैं ये डायमेंशन फ्री एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया. तो उसने कहा कि अगर हम इस वाली फॉर्म को इस तरीके से लिखें और यहाँ पे एक इस तरह से अल्फा इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसकी वैल्यू हम रखेंगे h²μ(U)-dp/dx. इस अल्फा को अगर हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो डायमेंशन फ्री हो जाएगी. मैं आपको दिखाती हूँ कैसे. पहले तो आप इस अल्फा को देखें जो उसने कंसिडर किया है, वो जो है वो डायमेंशन फ्री है या नहीं. पहले हम लिख लेते हैं अल्फा और फिर हम इसके डायमेंशंस लिखते हैं. ये हमारे पास है h²μ(U)-dp/dx. इसकी डायमेंशंस देखें, h² की क्या हो जाएगी m² 2, और म्यू की जो है अगर नहीं आती तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू की
फार्मूला के अकॉर्डिंग ये है टी ओवर डी यू ओवर डी वाई, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि म्यू इज़ इक्वल टू, ये जो ऊपर हमारे पास टा है ये आ जाएगा हमारे पास पास्कल, इसका यूनिट पास्कल मिल गया है ना, प्रेशर है हमारे पास, तो इसका साथ हमारे पास नीचे डी यू यानी कि मीटर पर सेकंड, और इसके y का सिर्फ मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा ऊपर जाके पास्कल सेकंड। तो यहाँ पे हम u की लिख देते हैं पास्कल सेकंड, और कैपिटल U की हमारे पास क्या आ जाएगी मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे माइनस, और ये जो हमारे पास dp है ये भी प्रेशर है, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा पास्कल, और ये dx है इसका हमारे पास आ जाएगा मीटर। अब देखें पास्कल से पास्कल कैंसिल हो जाएगा, ये वाला मीटर और ये वाला मीटर दोनों मिल से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाला सेकंड से ये वाला सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया अल्फा एक डायमेंशन लेस हम लोगों ने स्केलर रखा है, जो हमने वैल्यू ली है अल्फा की, इसका कोई भी यूनिट नहीं आया, तो ये हमारे पास डायमेंशन फ्री है। तो इन शॉर्ट जिसका कोई यूनिट ना हो, जिसकी कोई डायमेंशन ना बचे, उसको हम बोलते हैं ये डायमेंशन लेस है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोगों ने ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कहीं सेट करनी है इसके अंदर, तो यहाँ पे ये वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए एच स्क्वायर टू म्यू कैपिटल यू माइनस डी पी ओवर डी एक्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें डी पी ओवर डी एक्स पे वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी वहाँ पे है, माइनस भी वहाँ पे ऑलरेडी है, एक एच भी है। हमें जो चीज़ें वहाँ पे चाहिए वो है हमारे पास वाई नीचे, बल्कि म्यू भी है और एक एच कम है, तो हम क्या करेंगे इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी रिक्वायर्ड चीज़ों से, एक ऊपर एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वाई कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई तो वाई आ जाएगा, और साथ में बल्कि हमें यहाँ पे वाई को तो सॉरी चाहिए ही नहीं, वो साइड पे निकल जाएगा, सिर्फ हमें एच चाहिए, बल्कि इसको हम साइड पे डिटेल में लिख लेते हैं हमें क्या चाहिए, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एच y टू म्यू डी पी ओवर डी एक्स, अब क्या क्या चीज़ें लेफ्ट रहेगी, y हमारे पास एक्स्ट्रा है वो साइड पे चला जाएगा, ठीक है यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास अब और क्या नहीं है, एक h नहीं मिसिंग है, वो h यहाँ आ जाएगा, और अगर ऊपर h लिखा है तो नीचे भी h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक u नहीं है तो अगर हम लोगों ने नीचे u लाना है तो ऊपर नीचे u से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो इट्स मीन h से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड और u से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, हमारे पास ये एक्सप्रेशन में हम किसी भी चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इस वाले टर्म में हमारे पास ये एक्सप्रेशन जब आ जाएगा तो हम उसकी जगह क्या पुट कर सकेंगे अल्फ़ा, किस वाले एक्सप्रेशन की जगह पर, इस एच स्केयर, ठीक है, टू म्यू यू इसकी जगह, पीछे ये यू एच डी सॉरी डी पी ओवर डी एक्स भी साथ में इन्वॉल्व होगा, सिर्फ ये हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि जब हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ रखी तो इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ये देखें यही बचा हुआ है ना हमारे पास, जो हमने वाई बाय निकाला था वो बचा हुआ है हमारे पास, और एक इधर हमारे पास एच बचा हुआ है, ठीक है। तो अब हम उसको ये वाला जो कैपिटल यू है ये वहाँ पर जाके साइड पर इस तरफ पर डिवाइड हो गया, यहाँ पे देखें सिंगल यू था, जो कैपिटल यू हमारे पास यहाँ बचा था, एक जो हमने ऊपर नीचे डिवाइड किया वो साइड पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन में सिंपल हम लोगों ने अपनी शेप चेंज करके ये शेप बनाई, और इसके ऊपर मैथमेटिशियंस ने बोला कि हम इसको डायमेंशन लेस में लिख सकते हैं अगर हम ये अल्फा इसके अंदर क्रिएट कर लें। हमने ये अल्फा इसके अंदर क्रिएट कर लिया, और अब हम इस अल्फा की जो हमने जगह बनाई उसकी जगह वहाँ पर हमने अल्फा पुट कर दिया, तो हम लोग इस क्वेश्चन के साथ लेफ्ट करके जो कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन दी गई है। अब इसका बेनिफिट हमें क्या हुआ, अगर हम इस वाली क्वेश्चन को स्टडी करें, ये जो हमारे पास यहाँ पे आई है यू ओवर कैपिटल यू वाई ओवर अल्फा पुट करने के बाद जो हमारे पास बची है वाई ओवर एच वन माइनस वाई ओवर एच, तो क्लास देखें इसमें ये इसका यूनिट इससे कैंसिल, इसका यूनिट इससे कैंसिल, इसका यूनिट इसके कैंसिल, ये तो पहले हमारे पास डायमेंशन फ्री था, इसका यूनिट इससे कैंसिल, तो हमारे पास पूरी इक्वेशन क्या आ गई डायमेंशन फ्री, ठीक है। तो इस तरह हम अपने
फ्लूड में डायमेंशन लेस वेरिएबल या डायमेंशन लेस जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया इसमें अल्फ़ा, उसको यूज़ करके अपनी पूरी इक्वेशन को डायमेंशन फ्री कर सकते हैं। और डायमेंशन फ्री करने के बहुत बेनिफिट होते हैं, हम लोग बिल्कुल हमें टेंशन इस बात की नहीं होती कि हम लोग यहाँ पर क्या यूनिट्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, किस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, हमारी इक्वेशन बहुत ही सिंपल रह जाती है। ठीक है, अब क्योंकि हमने इस इक्वेशन के अंदर अल्फ़ा को इंट्रोड्यूस करवाया तो हमें देखना पड़ेगा अल्फ़ा की क्या क्या वैल्यूज़ हम लें तो हमारे क्वेश्चन पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, यानी हमारी इक्वेशन पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन यहाँ पर तीन डिफरेंट जो है वेलोसिटी प्रोफाइल्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा लिए हैं। ये जो हमने वेलोसिटी प्रोफाइल निकाला है, जो इक्वेशन निकाली है, इसमें अल्फ़ा की तीन केसेस बनाए गए हैं। एक अल्फ़ा को ग्रेटर दैन ज़ीरो रख लें, एक अल्फ़ा को लेस दैन ज़ीरो रख लें, और एक अल्फ़ा को इज इक्वल टू ज़ीरो रख लें। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जब हम ग्रेटर रखते हैं तो क्या होगा, अगर हम लेसर रखते हैं तो क्या होगा, अगर हम इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं तो क्या होगा। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि हमने जो जनरलाइज्ड कोटी फ्लो पढ़ी थी उसमें अगर हमने कहा था कि हमारा जो प्रेशर है वो वेरिएबल होगा किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसका क्या मीनिंग था। उसका ये मीनिंग है अगर हमारे पास अगर हम लोग एक्स एक्सिस ये ले रहे हैं तो अगर हमारे पास यहाँ से फ्लूड इस तरफ को मूव कर रहा है तो इस तरफ प्रेशर अगर मैं कहती हूँ 10 पास्कल है तो इस तरफ हमारा 5 पास्कल प्रेशर है। तो इसी यही वो वजह होगी जिसकी वजह से जो हमारा प्रेशर है वो वेरिएबल है, यानी कि स्टार्ट में 10 है और लास्ट में 5 है। तो यही वजह है कि डिफरेंस, दोनों के प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से हमारा जो प्रेशर है वो वेरिएबल है। इसी चीज़ का नाम है ना कि प्रेशर वेरिएबल है, यहाँ प्रेशर और है और यहाँ प्रेशर और है। अब इस चीज़ को हम अपने इसमें अप्लाई करेंगे कि अल्फ़ा ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो जो प्रेशर है इज़ डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये कैसा है इसको देख लेते हैं, और इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं यहाँ पे एक पाइप लेते हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पाइप लिया, इस पाइप के ऊपर इस साइड पे मैंने प्रेशर रख दिया 10 और इस साइड पे प्रेशर रख दिया 5 पास्कल। ठीक है, अब इसके अंदर फ्लूड जो है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो उसको और सपोर्ट मिलेगी कि प्रेशर पहले ही यहाँ पर कम है तो फ्लूड जो है वो जल्दी से अपना लेवल करने के लिए ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फौरन से मूव करेगा, तो उसको सपोर्ट मिली। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेती, यहाँ पे मैं कहती हूँ 10 पास्कल रख लेती और यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मैं 5 पास्कल रख लेती हूँ और फ्लूड को जो है मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही मोशन करवा रही हूँ, चेंज नहीं करी, तो फिर क्या होगा, उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी बल्कि वो रेजिस्ट करेगा, यानी कि प्रेशर उसको ये समझाएगा कि तुम इस डायरेक्शन में जाओ लेकिन हम फ्लूड को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो इस केस में जब पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हमारे पास कम है प्रेशर तो हमारे पास सपोर्ट होगी, और अगर ज़्यादा है तो वो हमारे पास सपोर्ट नहीं होगी बल्कि रेजिस्टेंस होगी। मैं आपको ये बता रही थी कि अब हमने ये जो अपना वेलोसिटी प्रोफाइल निकाला है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारी वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, हमारे पास अल्फा पे। ठीक है, अब ये जो अल्फा हमारे पास है इसको हम क्या क्या रख सकते हैं, या तो ये इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, या ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, या ये लेस देन ज़ीरो होगा। अब चेक कर लेते हैं बारी बारी, अगर हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी अल्फा की वैल्यू है उसको हम लिख लेंगे, हमारे पास अल्फा किसके इक्वल था, देखें यही वैल्यू थी लास्ट में जो दी हुई थी अल्फा की, ये वाली हमारे पास अल्फा है एच स्क्वायर टू म्यू कैपिटल यू माइनस डी पी ओवर डी एक्स, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो है, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, तो ये वाली सारी वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ये सब मैं ये सब कुछ किसी को भी इक्वल टू ज़ीरो रख सकती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ जाके मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे तो ज़ीरो हो जाएंगे। तो क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि फिर जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा अल्फा इज़ इक्वल टू ज़ीरो के केस में, कह सकते हैं ना। अब हम देखते हैं आगे कि अगर हम लोग ये कहें कि अल्फा को हम रखते हैं ग्रेटर देन ज़ीरो तो क्या होगा। हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो की सूरत में h पहले ही पॉजिटिव है, यानी कि अल्फ़ा कब ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, h पॉजिटिव है स्केयर के साथ है, हमारे पास यहाँ पे विस्कोसिटी भी पॉजिटिव आएगी, वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे प्रेशर की,
तो प्रेशर यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट विद साइन ऑफ नेगेटिव। अगर प्रेशर ग्रेडियंट मैं यहाँ पर अगेन नेगेटिव ले लूँगी तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, तो अल्फ़ा जो है वो प्लस में आ जाएगा। अल्फ़ा ग्रेटर दैन जीरो का मतलब है हमें अल्फ़ा को पॉजिटिव वैल्यू में निकालना है, और ये पॉजिटिव वैल्यू में नहीं आ सकता जब तक ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू में ना हो, क्योंकि अगर ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू में नहीं होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होंगे, अदरवाइज जवाब नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें पता लगा अल्फ़ा ग्रेटर दैन जीरो के लिए जो हमारा डी पी ओवर डी एक्स है वो हमेशा लेस दैन जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास अल्फ़ा लेस दैन जीरो की बात है, अब हमें अल्फ़ा को लेस दैन जीरो लेना है यानी कि माइनस जवाब निकालना है अल्फ़ा के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी माइनस है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अगर हम अपना प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव रख देते हैं तो हमारा अल्फ़ा नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब अल्फ़ा तब नेगेटिव आएगा जब हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो लेस दैन ज़ीरो होगा, सॉरी ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो अल्फ़ा नेगेटिव हो जाएगा। तो तीनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए कि कब हमारे पास अल्फ़ा ज़ीरो हो तो हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, ज़ीरो, यानी कि प्रेशर का डिफरेंस ही नहीं है। और अगर हम बात करें कि हमारे पास प्रेशर का डिफरेंस ही नहीं है तो इसका मतलब है कि जो हमने प्लेट्स ली हुई हैं उनके दरमियान जो हमारे पास जब वो थोड़ा सा मूव करती है आगे की तरफ, जब उसकी वेलोसिटी यू है, तो जो पार्टिकल्स आगे की तरफ जाते हैं, जो अपना वेलोसिटी प्रोफाइल बनाते हैं, वो बिल्कुल सीधा ऐसा होगा, जीरो से कैपिटल यू को ऐसे अप्रोच करेगा, क्योंकि इस टॉप इस बात पर हमारे पास अल्फा क्या है, ज़ीरो है और प्रेशर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं बात करती हूँ आपके पास अल्फा ग्रेटर दैन ज़ीरो की, तो इट्स मीन अल्फ़ा की कोई ना कोई वैल्यू ज़ीरो से ऊपर होगी। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ वो वन है, जैसे वो वन होगी तो मैं कहती हूँ हमारा प्रेशर जो है वो लेस दैन ज़ीरो होगा। प्रेशर लेस दैन प्रेशर ग्रेडियंट लेस दैन ज़ीरो होने का मतलब ये है कि हमारा प्रेशर जैसे जैसे हम आगे को जाएंगे वो लेस दैन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ स्टार्ट में हमारा प्रेशर 10 पास्कल था, कुछ देर गुजरने के बाद जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं तो बिल्कुल उसके एंड पे हमारा जो प्रेशर है वो मैं कहती हूँ 5 पास्कल था, तो क्या होगा, मैंने अपने फ्लूड को इस तरफ को ही कह रही हूँ मोशन करो, मैं अपनी प्लेट को आगे की तरफ ही मूव करवा रही हूँ कि मोशन करो। लेकिन जैसे ही मैं उसे साथ में ये भी कह देती हूँ कि अब मैं अल्फ़ा वन ले रही हूँ तो प्रेशर में चेंज आ गया, पहले प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन जैसे ही प्रेशर में चेंज आता है, चेंज कैसा आता है, लेस दैन ज़ीरो वाला, यानी कि प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाता है। ये देखें 10 पास्कल से आहिस्ता 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 वो 5 पास्कल पे आ गया, तो क्या होगा, हमारे पास पहले ही फ्लूड को मैं कह रही हूँ इस तरफ को जाओ, तो दूसरा प्रेशर ने भी क्या कह दिया, जल्दी से फ्लूड को कहा इस तरफ को आओ, एक तो हमारी प्लेट उसको आगे ले जा रही थी, ऊपर से प्रेशर ने कहा कि तुम स्पीडली आगे आओ क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ वाटर इतना ज़्यादा है और यहाँ वाटर हमारे पास स्मॉल है, तो अगर हम लोग कहें कि कहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो फ़ौरन से वाटर इस तरफ को नहीं आएगा। या फिर इसकी अच्छी एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि अगर हम एक टैप टैंकी लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास घर में टैंकी ऊंचे लेवल पे लगी होती है, यहाँ पे कहीं टैप लगी हुई है, हमें पानी को इसमें पंप करना है तो मोटर चला के ऊपर पहुँचाना पड़ेगा लो से हाई प्रेशर के लिए। लेकिन हाई से लो में क्या होगा, वो आराम से नीचे खुद ही आ जाएगा, हम कोई मोटर नहीं चलाएंगे, पानी टैंकी से खुद ही टैप में आ जाएगा। तो यही बात है कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ जो है प्रेशर कम है, तो फ्लूड जो है वो तेज़ी से आगे की तरफ जाना चाहेगा, प्लेट ने भी उसको आगे करना है लेकिन वो खुद भी बाय नेचर भी आगे जाना चाहेगा। अगर ऐसा होगा कि वो खुद आगे जाना चाहेगा तो फिर क्या होगा, अगर मैं कहती हूँ मैं अल्फ़ा को वन लेती हूँ और फिर चेक करूँ तो मेरा जो ये प्रोफाइल जो सीधा था यहाँ पर, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा तेज़ी से आगे की तरफ को जाएगा, मिनिमम वेलोसिटी उसकी ज़ीरो ही रहेगी, मैक्सिमम उसने अपनी यू तक अप्रोच की थी पहले वाले केस में, लेकिन यहाँ पे वो अपनी वेलोसिटी को थोड़ा ज़्यादा आगे ले गया इस पॉइंट पर और फिर यू के पास वापस आया। जो पॉइंट नीचे प्लेट पर फिक्स है वो नीचे प्लेट पर है, जो ऊपर प्लेट पर है वो ऊपर प्लेट पर है, फ्लूड बस आगे की तरफ जाता है, इसने यहाँ से चल के वापस इस यहाँ तक ही अपना प्रोफाइल देना है, क्योंकि बेसिकली प्रोफाइल यूँ ही होता है, ये पार्टिकल यहाँ तक आता है, ये पार्टिकल यहाँ तक आता है, ये पार्टिकल यहाँ तक, प्रोफाइल ऐसा ही चलता है।
लेकिन थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। अगर मैं कहती हूँ मैं अल्फ़ा को 2 कर देती हूँ और बढ़ा देती हूँ, तो प्रोफाइल और आई की तरफ ही हो जाएगा। अगर मैं कहती हूँ इसको मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हूँ, चले मैं कहती हूँ 5 पे चेक करती हूँ, तो प्रोफाइल यूँ हो जाएगा, ठीक है, तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कि मैं अल्फ़ा को पॉजिटिव नहीं ले रही, नेगेटिव ले रही हूँ, यानी कि अल्फ़ा पीछे आ जाएगा, इन पॉइंट्स पे अल्फ़ा को मैं पीछे चेक कर रही हूँ कि अब मैं अल्फ़ा माइनस ले रही हूँ। जब मैं अल्फ़ा माइनस ले रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि इसका मतलब प्रेशर क्या है, ग्रेटर हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब मैं कहती हूँ कि ये 10 पास्कल और 5 पास्कल से उठ के ऑपोजिट कर देते हैं, 5 पास्कल और 10 पास्कल हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा जैसे ही अल्फ़ा नेगेटिव है प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब प्रेशर के इंक्रीज होने से क्या होगा, हम प्लेट को कहेंगे फ्लूड को आगे लेके जाओ, प्लेट कहेगी ठीक है फ्लूड आगे जा रहा है, लेकिन ये जो प्रेशर है वो कहेगा, रिजिस्ट करेगा कि नहीं नहीं फ्लूड को पीछे की तरफ जाओ। ये जो फ्लूड पहले आगे की तरफ अच्छे से मूव कर रहा था बहुत तेजी से, इसी फ्लूड को ये जो प्रेशर का डिफरेंस हमने अब लिया है वो क्या कहेगा, पीछे की तरफ मूव करो। तो ये जो हमारा जीरो से यू तक हम लोग इस तरह सीधा मूव करते थे इस तरीके से, इस वाले ने कहना है थोड़ा सा पीछे को जोर लगाएगा फ्लूड को, इस तरह से प्रोफाइल आ जाएगा। अगर मैं और पीछे लेती हूँ, -1, -2, -3 पे लेती हूँ, तो इसका प्रोफाइल थोड़ा और पीछे आ जाएगा, फिर थोड़ा और पीछे आ, सॉरी यहाँ पे जाकर जीरो से ही मिलना है, तो रेजिस्टेंस होगी। प्रेशर कहेगा कि मेरे पास प्रेशर पहले ही बहुत है, पानी पीछे रहे, प्लेट कहेगी फ्लूड को आगे लेके जाना। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर ये आगे की तरफ बढ़ने की बजाय वेलोसिटी का प्रोफाइल ऐसे रेड लाइन से शो है, थोड़ा सा पीछे की तरफ को टर्न करता जाएगा। अब अगर हम इन पॉइंट्स पे चेक करते हैं तो देखें हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हुई और ये जाती 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 यहाँ तक आई, फिर वापस यहाँ पे गई, तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है हमारे पास इस जगह। और अगर इस अल्फा इज़ इक्वल टू के लिए देखें तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये हुआ, अल्फा इज़ इक्वल टू 3 के लिए देखें तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये, मिनिमम वेलोसिटी जीरो ही है सबके लिए। ये है हमारे पास जब प्रेशर जो है डिक्रीज हो रहा था और अल्फा हमने पॉजिटिव लिया हुआ था। अब अगर हम कहते हैं कि अल्फा हम लोगों ने नेगेटिव लिया हुआ है तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, हर एक में मैक्सिमम तो यू ही है। ये देखें किस केस में, जब प्रेशर जो है वो आगे जाके इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल यू हमारे पास यही है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है पीछे को मुड़ता है तो मिनिमम जीरो नहीं होगा बल्कि ये मिनिमम होगा, यहाँ पे माइनस माइनस की वैल्यूज आएंगी, ये वेलोसिटी प्रोफाइल। तो इसके वेलोसिटी प्रोफाइल को अगर आप अलग भी देखना चाहें माइनस वाले को, तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रोफाइल हमारे पास इस तरह जीरो से एज पे जाने की बजाय थोड़ा सा पीछे पीछे को बेंड करता है ऐसे, और फिर थोड़ा सा इस तरह हो जाता है, और फिर थोड़ा सा इस तरह हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि हमें इस पॉइंट पर जहाँ पे हमने अल्फाज को -1, -2 लेना शुरू किया है अपनी वेलोसिटी चेक करनी हो, तो मैक्सिमम तो यू ही रहती है लेकिन मिनिमम इस पॉइंट पर आ जाती है, ठीक है। इसी चीज़ को हमें यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया, क्लियर हो गया।